इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो डुआंगे है वो अपने फेस को साफ करता है और कहता है कि क्या, तो इससे अच्छा होगा कि मुझे जो है ड्रैगन में ही वापस जाना चाहिए। और ये सुन के जो है मुकेश स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, तुम कोशिश तो बहुत ही अच्छी कर रहे हो। फिर सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जो लुआंगे है वो बैठा होता है और मन में सोचता है कि ये जो मुके है इसने जो है मुझे यहाँ पे एक जल्टन मैन की तरह यहाँ पे मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर इसको जो है मुझसे चाहिए क्या, क्या प्रॉब्लम है इसे मुझसे। हाँ, तभी जो है वहाँ पे सर्वेंट आती है और कहती है कि सर ये प्लीज़ आप अपनी जो ये दवाइयाँ हैं, मतलब सूप वूप लाती है, वो कहती है प्लीज़ आप ये पी लीजिए। तो ये देख के जो है जो लुआंगे अपने नाक को बंद करता है और ऐसे हाथों को करता है कि दूर ले जाओ, और कहता है कि इसे यहीं पे रख दो और मैं बाद में पी लूँगा। तो ये सुन के वो सर्वेंट कहती है कि सर रॉयल हाइनेस का ऑर्डर है कि मैं आपको देखूँ उसे पीते हुए, और प्लीज़ सर आप मेरे लिए जो है मुश्किल जो है क्रिएट मत कीजिए, हार्ड टाइम प्लीज़ मत दीजिए। तो जो है लुआंगे जो है वो सूप को देखता है, मन में सोचता है कि क्या ये सब चीज़ भी वो अपने अंडर कंट्रोल में रखता है। हाँ, तभी जो है वो सर्वेंट कहती है कि सर प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए, अब रॉयल हाइनेस जो है वो आपके साथ कितने अच्छी तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, है ना। और वैसे भी जब कुछ समय पहले आपको कोल्ड हो गया तो रॉयल हाइनेस से बिल्कुल जो सबसे बेस्ट फिजिशियंस होते हैं ना उनको बुलाया था आपको देखने के लिए, और वो पूरे समय जो है पूरा दिन पूरी रात सिर्फ आपके बगल में ही ऐसे साथ में रहते थे। और ये सुनते जो लुआंगे जो सूप पी रहा होता है वो रुक जाता है और कहता है कि क्या वो जो है पूरा समय जो है पूरी रात वो मेरे साथ रहा, पर उनने ऐसा किया क्यों, उन्हें इस बारे में ऐसा करने का। तभी जो है वो सबें हंसती है, स्मार्ट करती है और कहती है कि सर जो रॉयल हाइनेस है वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और आपकी केयर भी करते हैं, इससे पहले मैंने उन्हें किसी को भी इतनी अच्छी तरीके से केयर करते हुए नहीं देखा कि वो किसी की ऐसे केयर करें। और ये सुन के जो है लुआंगे जो मन में सोचते हैं कि क्या वो मेरे बारे में सोचता है, और कहते हैं हाँ मैं इतने समय तक जो है कुछ समय के लिए मैं ड्रैगन में था पर उसने मुझे कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं किया, और ड्रैगन में भी जो है वो मेरे बहुत ही अच्छे से ख्याल रखवा रहा था। तभी जो है लुआंगे कुछ नहीं कहता तो वो सर्वेंट कहती है कि सर, तभी जो है जो लुआंगे है वो सूप का जो बाउल है वो वहाँ रखता है और कहता है कि हाँ हाँ तुम लोग जो है अपने रॉयल हाइनेस को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो इसलिए तुम जो है उन्हीं के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलोगे। तभी जो वो जो सर्वेंट है वो थोड़ा सा शाय फील करती है और कहती है कि प्लीज़ सर आप ऐसा मत बोलिए। तो जो लुआंगे है वो कहता है कि कम ऑन, इसमें कुछ एम्बैरेसिंग वाला नहीं है ना, एम्बैरस मत। जो ये स्टेट की वुमेंस है बहुत ही ज़्यादा शाय है, और जो यालिंग की जो वुमेंस है ना वो तभी जो है वहाँ पे मुँह के आ जाता है और कहते हैं कि हाँ किस तरह की वुमेंस है यालिंग में। और ये देख के जो है लुआंगे कहते हैं कि तुम आ गए और हंसता है। तभी जो है वो सेवन जो है वो कहते हैं कि प्लीज़ सर एक्सक्यूज़, और वो वहाँ से जो है ये बोल के चली जाती है कि जाने का आदेश दीजिए। उसके बाद जो है मुके थोड़ा सा गुस्से में दिखता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो तुम मेरे इस जगह के सभी सर्वेंट्स के साथ प्लट करते, है ना। तो ये सुन के जो है लुआंगे गुस्से में कहता है कि क्या, कौन है, कौन तुम्हारी सर्वेंट्स के साथ फ्लर्ट कर रहा है, मैं तो बस कह रहा था। तभी जो मुके कहता है कि हाँ तो तुम कह रहे थे कि जो ये स्टेट की वुमेंस है वो बहुत ही ज़्यादा शाय करती है ना, और तुम्हें देख के जो है वो ब्लश करती है, उनके फेस रेड हो जाते हैं। तो ये सुन के जो है जो लुआंगे मन में सोचता है ये अगर इसे पता चल गया कि मैं इसके बारे में बात कर रहा था तो इसको मौका मिल जाएगा मेरे साथ मजाक करने का, मेरे को छेड़ने का। तभी जो है लुआंगे चेयर पे बैठ जाता है और कहता है हाँ मैंने कहा तो कि जो है ये स्टेट की वुमन बहुत ही ज़्यादा शाय करती है, लेकिन जो है ये स्टेट की वुमन्स जो है वो हमारे यालिंग की जो वुमन से बिल्कुल ही डिफरेंट है, यहाँ की जो वुमेंस है ओल्ड और जीनियस नहीं है। और तभी जो है मुके जो है लुआंगे की चेयर पे हाथ रखता है और जो है लुआंगे के क्लोज आके कहता है कि वैसे मुझे पता नहीं था, मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि तुम्हें जो है वुमेंस के बारे में बहुत पता है पर तुम तो किसी से इंटीमेट भी नहीं हुए। और ये सुन के जो है लुआंगे शॉक्ड रहता है। तो लुआंगे जो है गुस्से में होता है, थोड़ा ब्लश भी करता है और कहता है कि मुझे इस तरीके से मत देखो, मैंने तुम जैसी वुमेंस
के सिवा और किसी को यहाँ पे नहीं देखा है। मुझे जो है वो कहते हैं मैं सरप्राइज हूँ, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे जो टाइप्स है वो बोल्ड और जीनियस वाला है। हाँ हाँ चलो मैं मानता हूँ कि जो है यालिंग स्टेट के जो वुमेंस है वो बोल्ड और जीनियस है, लेकिन वो ये स्टेट के मैन जितना बोल्ड नहीं है, तो क्यों ना तुम मुझे ट्राई करो आगे। और जो मुके है वो लुआंगे के लिप्स को ऐसे अपने हाथों से टच करता है, तभी जो है जो लुआंगे अपने फेस को साइड करता है और कहता है कि नहीं मुझे जो है किसी को भी ट्राई नहीं करना है, मुझे किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और हाँ मुझे मैन में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और जो मैन है वो वूमेन की तरफ बिल्कुल भी एक्ट नहीं करता है। तो ये सब सुन के जो है जो मुके है वो लुआंगे से दूर होता है और कहता है कि आगे अब मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ गई, तो अब एक काम करो तुम कल जो है तुम बुक सेंटर जाना, ठीक है, और अब से तुम वहाँ पे मेरे साथ काम करोगे, तुम मेरे जो है सब डायरेक्टर रहोगे, ठीक है, तो कल से ही तुम्हें ये सारी चीज़ें स्टार्ट करनी। तो ये सुन के जो आगे है वो पीछे देखता है मुके को और कहता है कि क्या बुक सेंटर का सब डायरेक्टर वो भी तुम्हारा? और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मैं जो है यालिन स्टेट का बंदा हूँ, है ना, तो अगर जब तक तुम मुझे जो है पेमेंट नहीं करोगे, मुझे एक रहने के लिए जो है हाउस नहीं दोगे, तो मैं नहीं करूँगा। तो ये सुन के जो है मुके कहता है कि अच्छा मुझे पिछले जो महीने हैं वहाँ पे जो है यालिन स्टेट पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वैसे भी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा अभी पैसे हैं जो मैंने कलेक्ट किया है, मैं सोच रहा था मैं तुम्हारे यालिंग कंट्री के लिए दे दूँ, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए इन सभी चीज़ों से जो भी वहाँ पे नुकसान हुआ है, लोगों को प्रॉब्लम है, पर वैसे भी तुम नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, और ये सारे जो पैसे वैसे भी ये सब मेरे हाथ में ही है कि मैं देना चाहता हूँ या नहीं। तो ये सुनते ही जो है लुआंगे फटाफट से पीछे होता है और मुके का हाथ पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो क्या तुम सच्ची में यालिन के लोगों की हेल्प के लिए देना चाह रहे हो? तो मुके जो है वो लुआंगे को देखता है और कहता है कि क्या तुम इस बारे में सोच रहे हो, तो ठीक है फिर तुम्हें जो है कल जाना पड़ेगा काम पर। तो यूँ सुन के जो है वो लुआंगे जो है वो कहता है ओके मुके मैं जो है कल से जाऊँगा और थैंक यू बोलता है। तब जो है मुके जो है वो लुआंगे के क्लोज आता है और कहता है कि तुम्हें पता ही है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, और जो है मुके लुआंगे के और ज़्यादा क्लोज आता है। तो लुआंगे जो है वो कहता है कि मुके और लुआंगे मुके जो है लुआंगे के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखता है और मुके जो है और लुआंगे के क्लोज आता है। तो लुआंगे कहता है कि मैं गे नहीं हूँ, इसलिए मैं जो है तुम्हें अपनी बॉडी से सर्व भी नहीं कर सकता। तो ये सुन के मुके गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मुझे जो है अपने लिए एक टॉय बॉडी या टॉय बॉय चाहिए? हाँ तो मेरे बारे में ये सोचते हो? इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है ये ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।